चुनाव में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है, हर रोज एक विकेट गिरा लेते हैं इधर उधर से, क्या लग रहा है किस तरफ चुनाव जा? एक नहीं, 20-20 टिकट विकेट गिरती है रोज, 20-25 डेली बढ़ती जा रही है। पहले 2 से शुरू, 5, 7, 10, 20 आज 21-25 बढ़ती चले, 10 तक तो 100 तक पहुँचेगा, 10 तारीख तक खत्म कर देंगे सामने। बिल्कुल साफ, बिल्कुल टोटली। आज अभी अभी मैं ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई थी, आप शायद उपस्थित नहीं थे वहाँ, हमारे रामरतन प्रधान जी भी थे, सारे लोगों, सारे समाज के लोग, सुनील शर्मा, सभी ने इकट्ठा होकर ओपनली समर्थन दे दिया, हाथ खड़े खड़े करके, और हर तरह का पूरे समाज का समर्थन मिल रहा है। आज हमें भी हमारे चेयरमैन साहब हैं सरपंच एसोसिएशन के जयपाल, ये भी हमारे अभी आशीर्वाद देने वाले हैं, ये भी आशीर्वाद देंगे। पंडित जी हमारे कपिल जी देहरा से सरपंच जी हैं, बिगड़ी साहब सरपंच है, आटे बड़े बड़े गाँवों के सरपंच हैं, बड़े मजबूत आदमी है, सतम है ये, तो इनका मुझे जो आशीर्वाद मिल गया तो फतेह तो फतेह ही है। एक तरफ ब्राह्मण समाज को रिझाने के लिए ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आए हैं, मंडी में उनकी रैली है, और इधर आप भी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का समर्थन आपको मिल चुका है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, उनके आने से कुछ फ़ायदा होगा समालखा में या फिर आपको कोई नुकसान हो सकता है उनके आने से? उसके आने से बड़ा भारी नुकसान होगा बीजेपी को, क्योंकि हमारे भाई शशिकांत कोसी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, वो हैं, बट उन्होंने, इस पार्टी ने उनके साथ बहुत अनदेखी की है, पूरे समाज का अपमान किया है, 2 चुनाव लड़े थे, 3 चुनाव की तैयारी थी, बाहर के उम्मीदवार को यहाँ कैंडिडेट उतार दिया, तो पूरे समाज में ही नहीं पूरी छत्ती बरादरी में इस बात का रोष है, और ब्राह्मण समाज तो खास ही इस बात से दुखी है, चाहे भजनलाल शर्मा जाए, चाहे कोई और शर्मा जाए, अलग अलग स्टेट की अलग पॉलिटिक्स होती है, हरियाणा की पॉलिटिक्स अलग है, राजस्थानी पॉलिटिक्स का यहाँ कोई असर करने वाला नहीं है, जहाँ जो शमाल का हल्के का समीकरण अलग है, प्रदेश का समीकरण अलग है, यहाँ 100% ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी को और धर्म सिंह छोकरों को समर्थन दे चुका है। एक रविंद्र मछरौली से एक पत्रकार बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पूछा मुकाबला कहाँ देखते हैं, कह रहा पहला नंबर मेरा है और बाकी के 2 की बिरादरी एक जैसी है, तो वो अपने आप देख लें, उनको पहले दूसरे पे आना है, तीसरे पे आना है, तो आप क्या समझते हैं चुनाव कहाँ है, किसके साथ है? पहली बात तो बिरादरी से पूछ लें, दूसरी बात मेरा जो समाज है, मैं किसी जातिवाद में हिस्सा नहीं लेता, मेरे लिए सती बिरादरी का सम्मान है, और मैं ज़्यादा नहीं कहूँ, पत्रकार आपकी ड्यूटी बनती है, आप वहाँ कार्यालय में जाओ, अगर वहाँ आदमी दुर्मक्खी मिल जाए तो मुझे कह देना, चुनाव का माहौल गर्मा चुका है, 8 दिन चुनाव हो चुका है, जिस कैंडिडेट के दफ्तर में एक आदमी चिड़िया भी नहीं हो, तो कैंडिडेट कहता मैं सपने ले रहा है, बाकी तो जनता फैसला करेगी दोनों कैंडिडेट्स के बारे में और मेरे बारे में। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया जनता को, जनता अदालत में दे चुका हूँ, जब वो आएंगे जनता उनसे पूछेगी, 10 साल एक ने राज किया, 5 साल एक ने राज किया, 5 साल वाला तो 14 मैं बन गया था, कहता था भैया काम करने वाला MLA बने तो धर्म चक्र को संभाल के इसको हरा नहीं सकता, वो उसकी वाणी पूरी हो रही है। अब लोग इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ बड़े नेता देखने को मिल सकते हैं, सचिन पायलट यहाँ पर हो सकते हैं, कांग्रेस से सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, उनके आने की संभावनाएँ हैं, ऐसा कुछ है कि इन नेताओं की कोई रैली या कोई जनसभा यहाँ पर? हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सम्मानित नेता है, हमारे बहुत बड़े नेता है, और हमारे सचिन पायलट जी, दोनों एक आने वाली तिथि मैं भी नहीं बताऊंगा, एक दोनों आज डिसीजन हो जाएगा रात तक, तो बहुत जल्दी इसको डिसीजन हो जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सचिन पायलट, दोनों एक बहुत बड़ी महार विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जो कसर छोटी मोटी है उसमें पूरी हो जाएगी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म सिंह छोकर से अच्छा तो अभी आज कांग्रेस ही ज्वाइन कर रहे हैं लोग? अच्छा, हमारे जयपाल जी हैं सरपंच एसोसिएशन के 32 गांव के प्रधान हैं, सर्वसम्मति से प्रधान चुने गए हैं, बहुत मजबूत और दबंग सरपंच हैं, इनका बड़ा प्रभाव है, और सर्वसम्मति से इनको सरपंच ऐसे प्रधान चुना गया। आज कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए आज मेरी उसमें आपके सामने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और मैं विश्वास दिला जाता हूं, और सभी सरपंच और भी हैं,
सभी काम है वो पहले बिना शर्त के अनकंडीशनल दे रहे हैं। कुछ एकदम 18-20 सरपंच एक दिन थे और बाकी जो बचे थे आज 24 तो उस दिन थे, 8 यहाँ आज हैं। 24 देंगे मोटी, हाँ 24 के 24 दे रहे हैं, मोटी गांव में देंगे 24 फूल दिया सरपंच, 24 के 24 देंगे, 24 को दोबारा फिर देंगे। ये कपिल सरपंच दे रहा है, ये भी आज कांग्रेस पार्टी द्वारा के निकाह में स्वागत करता हूँ देना। हमारे सुधा दादा सुधा चौधरी हमारा दमक धाकड़ धाकड़ सरपंच धाकड़ सरपंच, ये हमारे बहुत बड़े गांव का ये माछरलिया सरपंच, माछरलिया सरपंच ये आटे का सरपंच, इधर कैमरा घुमा दे ये आटे का सरपंच भाई, हाँ ये कड़ी सुपर सरपंच, हाँ सुपर भी है ये सुपर सुपर सरपंच भी हमारे पास सुपर सरपंच है, हमारे पास हिटलर भी है, आ जा हिटलर भी हमारे पास है, और ये जुरासी गांव का बड़ा ये हमारे हिटलर हैं, इनको प्यार से इटी कहा जाता है, और ये जुरासी गांव के बहुत बड़ा जुरासी गांव हमारे इलाके हैं, उस गांव के मौजूदा सरपंच है धर्मपाल जी दमड़ू, प्यार से दमड़ू कहते हैं, और ये जीता हमारे बहुत बड़े शराब के कारोबारी हैं, हाँ ठेकेदार भी सब ठेकेदार सरपंच। वीडियो बन रहा है, वीडियो चल रहा है सबका, एक फोटो ले लीजिए। देखिए आज ये कुछ सरपंच हैं जिन्होंने धर्म सिंह छोकर के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और ये सभी अब कांग्रेस का जो दामन थाम चुके हैं, ऐसा क्या लगा कि कांग्रेस साथ ज्वाइन कर लिया? ठीक है भाई साहब, विधायक साहब जब सत्ता में थे, जब सरकार थी ऊपर नीचे केंद्र की भी स्टेट के भी थी, भाई साहब ने बढ़िया काम करवाए हैं, हमारे गांव में भी 14-15 करोड़ रुपया दिया है उन्होंने। देखिए अब फोटो सेशन इनका चल रहा है, और वो फोटो सेशन जिस जिसने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है तो उन सब का ये फोटो सेशन यहाँ पर अभी चल रहा है, और धर्म सिंह छोकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और ये देखिएगा सामने तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि आज एक नई टीम को उन्होंने जोड़ लिया है, हालांकि सामने की तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि इसमें देहरा से सरपंच हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, मछरौली से भी हैं, और अट्टा से हैं, और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर, और अब हाथ उठाकर सामने देखिए अब विक्ट्री जो साइन है वो विक्ट्री साइन बना के दिखा रहे हैं।